मैं आज आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स से कैसे सेव रहें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर पक्का करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बेनिफिट वाली होगी। फ्रेंड्स, गारंटी है आपको, मैं इस बात की देता हूँ आपकी इससे नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी अच्छी होगी। तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें, बताएं मुझे, मैं आपको पक्का दूंगा। और ख़ास बात के लिए वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो अपनी हक की कमाई खाते हैं। हक की कमाई कौन खाता है? आर्मी वाले वाले, ठीक है ना, क्योंकि घर से दूर रहते हैं, वो अपनी जितनी सैलरी रहती है उसी से गुजारा करते हैं। तो इसलिए आज मैं सबसे बड़ी आर्मी वालों के लिए वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ। ये वीडियो आर्मी वालों के डेडिकेट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आर्मी वाले भाई पक्का शेयर करेंगे, मुझे इस चीज़ के लिए बहुत है, क्योंकि आर्मी भाई एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, ये कोई ना कहने वाली बात भी नहीं है। एक्चुअली में आर्मी बहुत हेल्पफुल होती है। आर्मी वीडियो में आर्मी के लिए बना रहा हूँ, अगली वीडियो भी इनके आर्मी वालों के लिए बेनिफिट्स के लिए होगी, इससे इनको बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये प्लीज़ इंश्योर करना आर्मी वाले भाई, वीडियो शेयर करना, और आपके फायदे के लिए वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बेनिफिट वाली होगी भाई लोगों। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि हम टैक्स से कैसे रहें। हाँ, जो हमारा जो हमारी साल की इनकम 5 लाख से ऊपर पहुँच रही है तो हमें टैक्स देना ज़रूरी है, और टैक्स देना भी चाहिए। इससे क्या हमारी सरकार गवर्नमेंट जो चलती है वो हमारे टैक्स में चलती है। पर क्या कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनकी 5 लाख से नीचे है और वो भी टैक्स देना पड़े, वो गलत है ना, वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ आज को पूरा डिटेल कर। देखो, इनकम टैक्स से कैसे सेफ रहें, ये उनके लिए है जो 5 लाख से नीचे हैं, वो कुछ अपनी गलतियों के कारण टैक्स देना पड़ता है जिन्हें, ठीक है। टैक्स, ये देखो, टैक्स में दो खास बात होती है, पैन कार्ड और स्कैन। पैन कार्ड का जैसे हम प्राइमरी अकाउंट नंबर कहते हैं इसे, और सेकेंडरी अकाउंट नंबर। पैन कार्ड होता है उसके नीचे सेकेंडरी अकाउंट लगते हैं हमारे, जितने जो बैंकों में अकाउंट होते हैं, जैसे जो भी अकाउंट हो गए SBI में, PNB, उसे हम सेकेंडरी अकाउंट कहते हैं, और प्राइमरी अकाउंट होता है हमारा पैन कार्ड। पैन कार्ड में देखो नीचे आ गए, जो पैन कार्ड सबसे फर्स्ट होगा उसके बैंक अकाउंट होते हैं, हम अलग अलग बैंक में अकाउंट खोल लेते हैं, मतलब पैन कार्ड तो एक ही होता है, तो क्या उसके बाद कारण हमें क्या बहुत कुछ झेलना पड़ता है, हमें पता नहीं चलता क्या करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी की 5 लाख रुपया पर ईयर इनकम है अंडर सेक्शन में, तो हमें ऑर्डर है भाई 5 लाख से किसी के ज़्यादा पेमेंट करो उसको टैक्स देना पड़ेगा, 5 लाख तक हमें छूट है जो सरकार ने दे रखी है। तो हम कुछ गलतियाँ करते हैं, देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मैं हूँ मी और एक अदर पर्सन है, दोनों बेस्ट फ्रेंड हम, ठीक है ना, और दोनों की सैलरी 40,000 है, दोनों की सैलरी 40,000 है पर मंथ, ठीक है। ये गुना करके देखो, 40 को 12 से गुना करें तो हमारी बनती है 4,80,000 पर ईयर, और हम अंडर सेक्शन में आते हैं। अंडर सेक्शन में अगर हमको टैक्स नहीं पेड करना पड़ेगा, उसके बाद क्या गलती करते हैं हम वो देखना अभी। अब मैंने अपने फ्रेंड को 50,000 रुपया गिफ्ट, भाई उसे ज़रूरत थी, भाई हम दे सकते हैं, भाई किसी को ज़रूरत है, हम 50,000 रुपया देते हम उसको कैश देते हैं, वो कैश यूज़ करता है, हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं किसी को, हम कहते हैं भाई तेरे अकाउंट में डाल देता हूँ 50,000 रुपया, तो यूज़ कर ले उसका। उसकी कहते हैं 4,80,000 रुपये साल की होगी और 50,000 रुपया हमने उसको दिया। जो पेन नंबर है स्टार्टिंग में आपने देखा पेन कार्ड, उसको ये नहीं पता आपकी इनकम कहाँ से आ रही है भाई, उसको जो आपके अकाउंट पेन कार्ड में जो भी पैसे इंक्रीज़ होंगे उसी को शो करेगा, उस वो सोच रहा है कि आप कोई अदर बिजनेस कर रहे हो। तो आपकी कितना होगी 5,30,000 हो गई, उसको जो 30,000 एक्स्ट्रा हो गया 5 लाख, उसका वो टैक्स देना पड़ेगा, श्योर है। आपने टैक्स दिया, फ्रेंड ने टैक्स दिया, उसी फ्रेंड ने बाद में क्या 50,000 रिटर्न कर दिए आपको, और आपके क्या हो गया 5,30,000 हो गया आपका, और आपको 30,000 रुपये दोनों को टैक्स देना पड़ेगा। तो अब इसके बाद बहुत प्रॉब्लम आती है कई बार देखने के लिए, तो आपको मैं सबको बताऊँगा। 30,000 रुपये टैक्स आपने दिया, ठीक है ना, अब दोनों फ्रेंड और दोनों फ्रेंड 30,000 रुपये टैक्स दिया, ठीक है ना, पैसे तो हमारे से हमने एडजस्ट किए थे, ठीक है, तो फ्रेंड से अब जो 5 लाख बन रहा है हमारा, 5 लाख प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस कर रहे हैं जो भी हमारे कुछ भी है, उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, कंपल्सरी पेड है, नो एक्सक्यूज भाई, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है हमारा, ठीक है ना, वो हमको देना पड़ेगा।
50,000 मैंने सेंड किए ऑनलाइन अकाउंट में और रिसीव दोनों को 50,000 पर कहना में हमारी अदर पेमेंट होगी ना इसे। अब इसे एक बचने का राज बताऊँ, जो आपने अपने अकाउंट से अपने फ्रेंड को दिए हैं पैसे 50,000, तो उसको रिसीव आप अपने अकाउंट में मत करो, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको 500 को रिसीव अदर अकाउंट में करना है। अदर अकाउंट कैसे हो गया, जैसे आपकी वाइफ का हो गया, बच्चे का हो गया, फादर मदर का हो गया, जिनकी 5,00,000 से कम है। अब कहने का मतलब आपको पूरा समझ लग ही गया है मेरा क्या कहना चाहता हूँ भाई, जो हम अपनी गलतियों से, देखो अपनी गलतियों से इनकम टैक्स देते हैं, उससे बचने का आपको ये तरीका बताया मैंने, ठीक है। पूरा चार्ट बना के आपको बता दिया है, तो आपको अभी भी मैं कह रहा हूँ जो आपकी बनती है आपको वो तो देना पड़ेगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, पर क्या जो आप नजायज़ देते हो उससे आपको सेफ रहना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ना भाई, हम अपना एक्स्ट्रा क्यों दें। तो भाई ये वीडियो उन पर्सन के लिए है जिनकी 5,00,000 से सैलरी कम है। भाई जिनकी 5,00,000 से सैलरी ऊपर है उसको निवारित है भाई, वो इनकम टैक्स देगा और देना भी चाहिए। और इससे क्या होता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था होती है उसमें इंक्रीज होती है, जो हमारे देश में 100 काम होते हैं उनमें ये व्यस्त किए जाते हैं, ठीक है। गरीबों की पेंशन होती है ये उसी से दी जाती है, सबके जो रोड मेंटेनेंस होते हैं वो हमारे इनकम टैक्स से दिए जाते हैं, तो देना चाहिए, ये सरकार का फर्ज है और हमारा फर्ज है, ठीक है ना। तो इससे आपको वीडियो मैं इसे कहता हूँ भाई, ये वीडियो सबको भाइयों को शेयर करना और लाइक कमेंट करके बताना, कोई गलती हो तो माफ़ करना, ठीक है ना। कमेंट जरूर बताना किसी को लगे, और शेयर अपने फ्रेंड को, उसको हर फ्रेंड को शेयर करना जो कि सैलरी मैन है, कोई जो इस चीज़ से बच सके। इसलिए कहता हूँ आप जी, आपकी 5,00,000 से नीचे बन रही है तो आप सेंड अपने अकाउंट से करें, और रिसीव अपने मदर के ज्वाइंट अकाउंट में रिसीव नहीं करना, अपने अदर अकाउंट में रिसीव करना है, ठीक है ना। अदर अकाउंट रिसीव करने से क्या होगा, आपके जो टैक्स है निजायज टैक्स है उससे बच जाओगे, ठीक है ना भाई। मैं तो ये कहता हूँ सब बचाओ जितना बचत है, हाँ जो जायज है वो देना पड़ेगा आपको। आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझा दिया मैंने, देख लो, या फिर एक एग्जांपल देख लो, आपने 50,000 अपने फ्रेंड को दिया था और उसके 5,00,000 की उसने इसकी ईयरली बन गई है, ठीक है ना। ईयरली का 30,000 उसने टैक्स पेड कर दिया, उसने बाद में आपको 50,000 रिटर्न कर दिया ऑनलाइन, ठीक है। आपकी 5,30,000 होगी, आपको 30,000 टैक्स पेड करना पड़ेगा भाई। जो पेन कार्ड है इसको ये नहीं मालूम भाई आप क्या करते हो, इसके में जितने खाते में आपके पैसे आएंगे उसने पर टैक्स लगाएगा, ठीक है ना। आपके जितने मर्जी बैंक अकाउंट हो इसमें अलग, आप सोचोगे मैं इसमें डाल लेता हूँ 50,000, 30 इसमें रिसीव कर लेता हूँ, इसमें बताऊँ क्या, वो सब इसी से लिंक है, पेन और अकाउंट लिंक होते हैं, तो इससे हमको टैक्स देना पड़ता है भाई। सबको समझ लगी, एक तो एग्जांपल से हिसाब से समझाया एक बार मैंने, तो आप प्लीज़ इसको इंश्योर करना और अपने हर फ्रेंड को सेंड करो जो भी आपका है, जो आपको कम है, मीडियम क्लास के मिडिल क्लास के लोग आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एग्जांपल है भाई। सेंड आप अपने तरफ से करो और रिसीव अपने दूसरे अकाउंट से करो, ठीक है ना। इसे कहो आप भी सेफ रहोगे और नजायज आपको अकाउंट नहीं देना पड़ेगा पैसा। थैंक यू, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना भाई सबके लिए।